हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू जी पॉइंट। आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे परवेज झा की। परवेज झा ने रिसेंटली अपने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पठान मूवी के बारे में रिव्यू देते हुए उनके VFX के बारे में क्या कहा, आइए जान लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक लास्ट वो डाला था क्लिप, सब कह रहे स्पॉयलर। वो स्पॉयलर नहीं था, पहली बात तुम लोग देखोगे तो पता लगेगा तुम्हें। और बात करते हैं जेन्युइन रिव्यू की। तो स्टोरी वाइज बेसिक बॉलीवुड स्टोरी, और एक्शन जो था ना भाई, ओए होए गलत। और VFX मज़ेदार भाई, मज़ेदार, मतलब चीखें निकल जाएंगी तुम्हारी हॉल में। और जो सरप्राइजेज है 2-3, जाओ देखो, मैं तो कहूँगा बढ़िया मूवी भाई, मज़ा आया, फुल एंजॉय करने वाली, फुल एंटरटेनमेंट। जो परवेज झा ने तो पठान मूवी के बारे में काफ़ी अच्छा कुछ कहा है। और आप लोगों ने अब तक पठान मूवी देखी है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पठान मूवी आप लोगों ने देख ली है तो मूवी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे थाराभाई जोगिंदर की। थाराभाई जोगिंदर ने रिसेंटली अपने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपनी बहुत ही खतरनाक चीज़ दिखाई। सो आइए देख लेते हैं कि वो खतरनाक चीज़ कौन सी है। निवेदन है, कमज़ोर दिल वाले से ना देखें। खाता हूं आज, अपनी आंखें बंद करो, बड़ी खतरनाक चीज है। तुम कहोगे वाह भाई जोगिंदर भाई, क्या मस्त चीज दिखा दी आपने। 1, 2, 3 टन टन। कैसा लगा टैटू, अच्छा है गंदा? तो जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया थाराभाई जोगिंदर का न्यू टैटू, और टैटू आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे राउंड टू हिल की। राउंड टू हिल की टीम से जब उनके एक इंटरव्यू में कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया, तो कंट्रोवर्सी को लेकर राउंड टू हिल की टीम का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। हाँ, कह सकते हैं बहुत चीजें हैं हमारे साथ जो मतलब लोग ऐसा दिखा देते हैं कुछ लोग कि वो ये चीज ऐसे थी, लेकिन वो ऐसी कभी नहीं थी। जैसे अभी कंट्रोवर्सीज हुई है हमारे साथ 3-4, तो वो हम कभी ऐसा सोच के नहीं बनाते कि हम, लेकिन पता नहीं लोग किस वे में उस चीज को दिखा देते हैं, ले लेते हैं, पहले नहीं लेते, बाद में उसमें से छांट कर दिखा देते हैं। कुछ लोग हैं लेकिन हमारे फैंस उस चीज में बहुत सपोर्ट करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। उन लोगों को कमेंट्स में ही बताते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, जब भी कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली होती है या एंड होने वाली होती है। ऐसा कभी इंटेंशन होता ही नहीं हमारा, मतलब ऐसा, क्योंकि हम तो फन के लिए बनाते हैं और बहुत सोच, बाकी अनइंटेंशनली अगर कुछ निकल जाता तो हम उसके लिए वैसे ही सॉरी बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। सो जैसे कि आप लोगों ने सुनी लिया होगा, राउंड टू हिल की टीम का कहना है कि वो कभी कोई ऐसा वीडियो इसी इंटेंशन से नहीं बनाते कि किसी को हर्ट हो, लेकिन फिर भी अगर गलती से कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सो आप सभी को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे इल्वेश यादव की। इल्वेश यादव ने रिसेंटली अपने जो न्यू सॉन्ग के कुछ लिरिक्स हैं जो कि हम सबके साथ शेयर करी हैं, सो आइए जान लेते हैं कि उनके न्यू सॉन्ग के लिरिक्स क्या है। 56 इंची छाती धोले कुर्ते लागे गच, चमड़े की जुत्ती चाले जिब होवे पटापट, निरे आले बादी जिद्दी कसे बैरी आके नट, टूटे काना आले गैल मारे बैठे संजय दत्त। भाई एक छोटा सा मैंने आपके लिए बोल दिया स्नीक पीक अपने गाने में से, बहुत जल्दी आ रहा गाना, तगड़ा मजा आएगा। सो जैसे कि आप लोगों ने इल्वेश यादव के न्यू सॉन्ग के लिरिक्स सुने लिए हैं, तो गाना तो भाई बवाल होने वाला है। आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे मुनव्वर फारूकी की। मुनव्वर फारूकी ने रिसेंटली अपना एक न्यू गाने का पोस्टर लॉन्च करा था, और पोस्टर के ऊपर पब्लिक का इतना सारा प्यार देखकर मुनव्वर फारूकी का क्या रिएक्शन था, आइए देख लेते हैं। सो हाय दोस्तों, सॉरी हालत तो ऐसी, बट मैंने पोस्टर का डाला कल रात में और अभी देखा 2 लाख लाइक आ, मतलब क्या है, मतलब पोस्टर पे टीजर डाल देता हूँ, चलो ठीक है डाल दूँ, टीजर डालूँ नहीं डालूँ, तुम क्या बोलते हो, टीजर डाल दूँ या 2 दिन वेट कर लोगे? सो जैसे कि मुनव्वर फारूकी का कहना है कि ट्रीजर डालें या नहीं, सो आप सभी को क्या लगता है कि ट्रीजर आया होगा या नहीं? अगर ट्रीजर आ गया होगा तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे ट्रिगर्ड इंसान की। ट्रिगर्ड इंसान ने बहुत टाइम से अपने पेट में एक बात छुपा के रखी थी, तो फाइनली उन्होंने वो अनाउंस कर दिया है। सो क्या है, आइए जान लेते हैं। हाय गाइस, सो एक बात थी जो मैं बहुत टाइम से तुम लोगों को बताना चाहता था लेकिन हमेशा दबा के रखता था मन में, तो लेकिन आज मैंने सोचा बता ही देता हूँ तुम्हें, और वो ये है कि हमारा खुद का स्पॉटिफाई ओरिजिनल पॉडकास्ट आ चुका है भाई, कैन यू बिलीव इट, वी हैव आवर वेरी ओन स्पॉटिफाई ओरिजिनल शो।
ट्रू स्टोरी ब्रो विद ट्रिगर्ड इंसान। जी हाँ, ये उस पॉडकास्ट का नाम है जहां पे एज द नेम सजेस्ट यू विल गेट टू हेयर ट्रू स्टोरीज ऑफ मेरी लाइफ, फ्रेंड्स, फैमिली एंड यू गाइज एज वेल। वो भी एवरी वीक एक नया पॉडकास्ट आएगा एवरी वीक स्पॉटिफाई पे, यहाँ पे उसका लिंक डाल रहा हूँ। अभी अभी पहला पॉडकास्ट पोस्ट करा है जहाँ पे वो वाली स्टोरी सुनाई है, वो 13 साल का लड़का जो साइकिल से नहीं आ गया था मिलने के लिए, उसका मेरा पर्सपेक्टिव वो मैंने सुनाया उस पॉडकास्ट में, वो भी पापा के साथ। तो उस पॉडकास्ट को जाके सुनो एंड आई जस्ट कांट बिलीव इट कि हमारा खुद का स्पॉटिफाई ओरिजिनल शो है, उसको फॉलो भी कर लेना। और सो जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, ट्रिगर्ड इंसान का Spotify पे एक पॉडकास्ट शो आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। सो फिलहाल आज की स्टोरी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नए यूट्यूबर्स के नए अपडेट्स के साथ। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।